ये सब तुम्हारा नहीं, हमारा बिछाया हुआ जाल था जिसमें तुम फंस गई महाभस्मा परी। महाभस्मा परी ने मुझे अपनी मायावी जाल में फंसा दिया और उसने उस सुनहरे चिन्ह को हासिल कर लिया। वाह बालवीर वाह, कितना बढ़िया खेल खेला है आपने। वैसे खेल तो उस महाभस्म परी ने खेला था, लेकिन असली चाल तो आपने खेली है। बालवीर, हमें आप पर बहुत गर्व है। हाँ बालवीर, महाभस्म परी की मन पर शक्ति को भी आपने अपने मन की बात पढ़ने नहीं दी। हाँ बालवीर, महाभस्म परी तो यही सोच रही होगी कि सुनहरा चिन्ह वो चुरा रही है, जबकि सच तो ये है कि तुम जानबूझकर खुद महाभस्म परी को उस चिन्ह तक ले गए थे। हाँ, महाभस्म परी ये सोच रही होगी कि वो जीत गई है, लेकिन सच ये है कि वो हार गई और हम जीत गए हैं। और वैसे भी हमें तो जीतना ही था, क्योंकि हम अच्छाई और सच्चाई का साथ दे रहे हैं। हाँ, लेकिन बालवीर, अगर महाभस्म परी को पता चल गया कि उनके पास जो सुनहरा चिन्ह है वो नकली है तो? आप चिंता मत कीजिए डरी परी, क्योंकि महाभस्म परी को पता चलने से पहले ही हम नरक के द्वार तक पहुंच जाएंगे। हाँ, ताकि हम मेहर को वहां से बचाकर सुरक्षित उसके परिवार के साथ उसे मिला सके। हाँ, अगर मुझे मेहर को तुमसे आजाद ना कराना होता तो अब तक तो मैं तुम्हारा अंत कर चुका होता। आज तुम जीवित इसलिए हो क्योंकि मेहर तुम्हारे पास है। इतना बड़ा खेल खेला मेरे साथ, इतना बड़ा धोखा दिया महाभस्म को, इतना बड़ा धोखा कि मैं नकली सुनहरी चिन्ह को मायावी पर्वत से लेकर आई। हाँ महाभस्म परी, हम तुम्हारी तरह नासमझ नहीं है जो इतनी महत्वपूर्ण चीज को अपने आप से दूर रखते। हमने तो सुनहरे चिन्ह को अपने सिंहासन के पीछे गुप्त स्थान में छुपा कर रखा था, और तुम कितनी बेवकूफ निकली। और अब जब महर सुरक्षित है तो तुम्हारा अंत तो निश्चित है। परियों, यहां तो अश्वासुर अभी आया है, लेकिन इससे पहले वो कहां था ये जानना चाहती हो तुम? इससे पहले वो परीलोक में था। अब तुम सब सुनहरे चिन्ह को छोड़कर यहां आ गए तो मैंने अश्वासुर को सुनहरे चिन्ह की रखवाली के लिए भेज दिया। क्या हो गया, तुम सबके होश उड़ गए, बोलते बंद हो गए, भूल गए तुम लोग कि बड़े बुरे हो। और बालवीर, आज से पहले बुराई अच्छाई से हारती होगी, लेकिन अब सिर्फ बुराई जीतेगी, महाभस्म जीतेगी।
और मेरे जीत का प्रमाण है वो सुनहरा चिन्ह जो अश्वासुर के पास है। वैसे मेरा खेल पलटने की अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम सब भूल गए कि महाभस्म हार कर भी जीत जाते, क्योंकि मैं बुराई की सबसे बड़ी भस्कर। क्या हुआ, तुम लोग चुप क्यों हो गए? अब हंस हंस कर बताओ, बताओ कि तुम सब कितने समझदार हो, कितने बुद्धिमान हो। तुम सबको लगा कि मेरे हर चाल का जवाब है तुम्हारे पास, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे किसी चाल का जवाब नहीं है तुम सबके पास, बल्कि तुम सबको जवाब देना ही नहीं चाहिए था। जैसे ही तुमने मुझे बताया कि तुमने सुनहरा चिन्ह कहां छुपा कर रखा है, मैंने वैसे ही अपनी शक्तियों से अश्वासुर को आदेश दिया कि वो जाए और परी लोग से वो सुनहरा चिन्ह लेकर आ जाए। गलती की तुम सबने जो मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश की, और तुम्हारी इसी गलती की वजह से आज मैं हारी हुई बाजी फिर से जीत गई। अब मुझे तुम में से कोई नहीं हरा सकता। नहीं महाभस्म परी, मैं तुम्हें कभी नहीं जीतने दूंगा, कभी नहीं। नहीं बालवी, गलत हो तुम। अब मुझे नरक का द्वार खोलकर दैत्यों को आजाद कराने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अश्वासुर, सुनहरे चिन्ह को द्वार की तरफ फेंको। बालवीर, हमें महाभस्म परी को किसी भी तरह नर के द्वार को खोलने से रोकना होगा। कुछ कीजिए बालवीर। बुरी हूं मैं अश्वासुर, आज महाभस्म उसके जीत के सामने कोई ना आने पाए। अंत कर दो इन सब का। और बालवीर, तुम्हारा अंत मैं खुद अपने हाथों से करूंगी, ताकि आज के बाद अच्छाई कभी बुराई के सामने सर उठाने की हिम्मत ना करे। महाभस्म पर, अगर तुमने बालवीर को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें फिर से भस्म बना देंगे। परियों, वार के लिए तैयार हो जाओ।
बालवीर, जब तक मेहर हमारे पास है, महाभस्म परी नर के द्वार को नहीं खोल सकती। इसीलिए आप मेहर को लेकर यहाँ से जाइए, हम इस अश्वासुर को रोकते हैं। जो आज्ञा रानी परी। मैं तुम्हें और तुम्हारी बुराई को कभी नहीं जीते दूंगा, क्योंकि बुराई पहले भी हारी और आज भी हारेगी। बालवीर, आज बालवीर के साथ अच्छाई भी धरती में दफन हो गई। अब कौन रोकेगा मुझे दैत्यों को आजाद कराने से? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.